नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम जंतर मंतर पर है, जहां पर EVM के विरोध में EVM हटाओ देश बचाओ का नारा देकर धरने पर बैठे हैं भारत प्रभात पार्टी के कार्यकर्ता। EVM के बारे में काफ़ी सारे दिनों से, जब से BJP की सरकार बनी है, तब से देश में जो है EVM विरोधी माहौल बन रहा है। 21 विपक्षी दल हो, बहुजन मुक्ति पार्टी हो, वामन मेश्राम की बाम सेफ हो, या कल परसों ही राज ठाकरे जो महाराष्ट्र के मनसे के नेता है, वो भी दिल्ली आए थे और चुनाव आयोग से मिलकर गए हैं कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। इसके अलावा कल मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में 19 याचिकाएं दायर की है EVM के खिलाफ में, कि EVM से चुनाव जो हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए और EVM में जो दोष है उसको निकाल कर बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराया जाए। इस वक्त हमारे साथ भारत प्रभात पार्टी के अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। वो महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मकसद है इस आंदोलन का? मैं हूँ डॉक्टर सुरेश गवई, ज्येष्ठ समाज सेवक हूँ, और मैं 20/2/2018 को पहली बार मैंने रामलीला मैदान पर EVM तोड़ा था, और EVM तोड़ के मैंने आंदोलन छेड़ा था 2018 में छेड़ा था। उसके पहले भी मैंने यहाँ पर जंतर मंतर बहुत आंदोलन किया है। 200, 400, 600 नोट्स के लिए आंदोलन मैंने किए हैं। मैंने नदी जोड़ प्रकल्प पास करवा के लिए है, मैंने महंगाई के लिए, बेरोजगार के लिए और सभी चीज़ के लिए मैंने आप अनशन कर चुका हूँ और मुझे बहुत लेटर आ चुके हैं। लेकिन जो EVM का मसला जो अभी आया है, ये पूरे देश के अंदर जो EVM की वजह से जो सरकार आई है, अवैध सरकार है ये। EVM के माध्यम से गरीबों के वोट चुरा के सरकार आई हुई है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो 373 जो और महाराष्ट्र के अंदर जो 42 जो सीट है उसके अंदर मिसमैच वोटिंग पोलिंग हुआ है। मिसमैच होने के कारण हम इस पर विश्वास करते ही नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि देश से EVM हटाए और देश के जनता को, संविधान को बचाए। जी, अभी ये तो हो गया आंदोलन का एक रास्ता है, लेकिन केवल इसी रास्ते से आपको न्याय मिलेगा या समाज को न्याय मिलेगा, EVM हटेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए और भी कानूनी जो रास्ता है वो भी आपने अपनाया है, या आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? देखो, कानूनी रास्ता तो हम अपना रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो भी बिके हुए लगते हैं हमें, क्योंकि जो 2-4 याचिकाएं अभी डाल चुकी है, कोई लोगों ने डाला है, MN सलमान ने डाला है, कोई अयाज ने डाला है, और 2-3 याचिकाएं लोगों ने डाला है, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, और वामन मेश्राम साहब ने डाला है, बाकी प्रकाश जी आम्बेडकर साहब भी मिलके चुनाव को मिले, आप बोले जो राज ठाकरे साहब के मिल चुके हैं, लेकिन ये सब मिलने से होने वाला नहीं। यहाँ का जो लॉ कमीशन है, जो लॉ कमीशन के अंदर जो कंडक्ट रूल है, जो EVM के बारे में जो कंडक्ट ऑफ बैलेट पेपर का रूल है 1951 का और 1961 का, वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ के जो लॉ एंड कमीशन को हम लोग उनके विरोध में हम लोग याचिका डालना चाहते हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को हम इसके दायरे में ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई हारता है तभी EVM पर उंगली उठाई जाती है, फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ऐसे BJP की तरफ से आरोप उन पर किए जाते हैं। अमित शाह ने भी ये आरोप किए कि जब आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव जीता तब आपको EVM में गड़बड़ी हुई, ऐसा नहीं लगा, और जब आप लोकसभा का चुनाव हारे, बुरी तरह से हारे, तब आप EVM पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसको क्या जवाब देना चाहिए? मैंने तो आपको बोला ना कि मैं 2018 के अंदर EVM तोड़ा था, तो चुनाव तो अभी हुए 19 के अंदर, लेकिन EVM में गड़बड़ी होती है और हुई है, और चोरी वोटों की चोरी हुई है, मैं ऐसा दावे से कहता हूँ। अगर उनका इनका दम इतने, है इतने दावे के साथ कहने के लिए आपके पास क्या सबूत है? अरे, मिसमैच वोट है गिनती के अंदर, जो प्राइवेट एजेंसी ने गिनती किया वो मिसमैच वोट है ना, 373 जो मिसमैच वोट हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टेक्निकली आपके पास कोई एक्सपर्ट है? नहीं, एक्सपर्ट तो मेरे पास एक्सपर्ट नहीं होगा, चुनाव आयोग कहाँ देता है? जो हमारा हरिप्रसाद था उसको अंदर जेल में डाल दिए थे, वो तो एक्सपर्ट था, वो तो आज भी बोलता है कि EVM में क्या टैम्परिंग होती है करके। और हमारे वैसे विदेश के अंदर के कितने लोग बोलते हैं EVM टैम्परिंग होती है, जैसे विदेश के अंदर जो जापान हो, अमेरिका हो, जो भी विकसित देश है, वहाँ तो EVM बंद है ना सर, हमारे देश में नहीं चालू। इसका मतलब ये घोटाला करने के लिए चालू है, और ये चाहते हैं कि हम यहाँ के देश के गरीब जनता को शोषण करें EVM के माध्यम से, नौकरी के अंदर बेईमानी करें, उनके महंगाई में बेईमानी करें, उनके रहन सहन में बेईमानी करें, उनकी शिक्षा में बेईमानी करें, और संविधान के एक एक पन्ने कम कर रहे साथियों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सरकार है, ये अवैध सरकार है, इसे रद्द किया जाए, ऐसी मेरी ठोस मांग है। जी, आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम मुख्तार अहमद खां है। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं इस बारे में इसलिए बोलना चाहता था कि महाराष्ट्र के सेम हाई कोर्ट में जो मिसिंग है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हुई है, जो कि हमारे यहाँ 2 EVM की कंपनियाँ हैं जो बनाती हैं,
एक ECIL है और एक ECL2 है, जो हैदराबाद में, बंगलोर में है। इन जगहों से 20 लाख मशीनों का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है और उसका सरकार ने अलग से पेमेंट किया है, जिसके खिलाफ 2018 में केस किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उस पर ये दिखाया गया था और कहा गया था और सबूत साबित हुआ कि हाँ 20 लाख मशीनों का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, जो ये कहीं और छुपाई गई हैं या रखी गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अकाउंटिंग में नहीं है, और उनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है 2019 में। जैसा कि 2014 में आपने सब देखा है, 2014 में वो लहर जो थी, मोदी की जो लहर थी, वो 2019 में कहीं तक नहीं दिख रही थी। मैंने ग्राउंड में देखा, गांव में देखा, तहसील में देखा, ब्लॉक में देखा, गांव में और शहरों में, ट्रेन में देखा, बसों में देखा। ये बात बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर इसी चीज़ को लेकर के फिर दूसरा केस हुआ है आपके भोपाल में हाई कोर्ट वहाँ पे हुआ है, इसी 20 लाख मशीनों को लेकर के। अगर आप देखें कितने वायरल वीडियोस हुए हैं, जिनमें ट्रकों में, बेनामी ट्रकों में, टम्पों में, इवन SDM के गाड़ियों में चुराई हुई मशीनें EVM को ले जाया गया और रिप्लेसमेंट किया गया। इस बार वोटों का हेरा फेरी कम हुई है, मतलब मशीनों में इधर उधर नहीं किया गया, उसको इन्होंने रिप्लेस किया है हर जगह से। आप ये देखें मशीनों का 100% रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी जो 20 लाख मशीन गायब है उन्हीं के द्वारा ही रिप्लेसमेंट किया गया, और ये सब स्ट्रांग रूम से। वरना इस बार इतिहास का पहले बार रिकॉर्ड रहा, कितना लंबा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला रिकॉर्ड है इंडिया का, कि इलेक्शन कमीशन ने 1.5 महीने में पूरा इलेक्शन कराया है, और वो UP में 7 फेस में, अंदाज़ा करें। आखिरी फेज में आपने देखा होगा ईस्टर्न UP में जो हुआ था चुनाव, उस दौरान अफजाल अंसारी का मैं नाम लेकर कहूंगा, उन्होंने जब देखा यार सब जगह ऐसा हेरा फेरी हो रही है, जैसा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई ट्रकों में जा रहा है, गाड़ियों में जा रहा है, और रात को स्ट्रांग रूम से EVM की रिप्लेसमेंट हो रही है, उस रिप्लेसमेंट के तहत जब उनको खबर मिली, तो 19 मई को वोट पड़ा था लास्ट और 23 काउंटिंग थी, उन्होंने उसी दिन जब से सारे EVM मशीनें स्ट्रांग रूम में आई, उन्होंने वहीं से अपने लोगों को लेकर खड़े हो गए, भी बैठ गए। SDM आए, DM आए, SSP आए, सब ने हटाने की कोशिश की, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहें साहब मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ तब तक जब तक काउंटिंग नहीं शुरू होती है। कहने नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं, आप जाएं, यहाँ हंगामा हो सकता है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है। सुने तो उन्होंने कहा साहब मुझे कुछ भी कर लें, गोली मार लेंगे, मैं हटूंगा नहीं। लेकिन जब हुआ क्या, जब 23 तारीख को नतीजा आया, वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, वो वहाँ से जीत गए। कैसे जीत सकते थे दागी, वो भी मुस्लिम बता रहा हूँ आपको, मुस्लिम MP कैसे जीत सकता था दागी होने के बाद, चूंकि वहाँ रिप्लेसमेंट नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट हुआ है, चाहे वो आप देख लें झारखंड में जहाँ से खड़े थे कन्हैया कुमार, जहाँ से पटना से खड़े थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, जहाँ से आप यहाँ पे अगर रायबरेली में जहाँ खड़े थे अपने राहुल गांधी, तमाम जगहों से 373 ही नहीं, मैं तो कहूँगा मोर देन दैट सीटों से ये हेराफेरी हुई है। जब भी बात होती है, ये सारा मामला तो हमने सोशल मीडिया में और कई सारे बातों में देखा है, जब भी EVM के घोटाले की बात होती है, तब बात जो 2014 से शुरू की जाती है कि 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, जबकि उसके पहले दो चुनाव जो है 2004 और 2009 का चुनाव, वो भी EVM के द्वारा ही किया गया था, और EVM को लाने में कांग्रेस का हाथ है, इंदिरा गांधी ने 1984 में लाया, 2004 से जो आम चुनाव में कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया, तब कांग्रेस पर कोई उंगली नहीं उठा था कि कांग्रेस ने भी कोई घोटाला किया है, क्योंकि जबकि सुब्रमण्यम स्वामी और GVL नरसिंह राव जो कि BJP के नेता है, उन्होंने ये आरोप 2009 को लगाया था। बिल्कुल सही कहा आपने, इन दोनों में समझौता है। इस तौर पर मैं कहूँगा, उन्होंने कम पैमाने पर करके जीत हासिल करी है, इन्होंने उसे बड़े पैमाने पर EVM का छेड़छाड़ और थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम किया है, और इन्होंने बड़े पैमाने पर जीता है। नहीं कोई बता दे मुझे कि 2014 जैसा माहौल क्या इंडिया में था 2019 में हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट तो ये मुमकिन ही नहीं था कि जीत जाते। यानी दो चुनाव कांग्रेस जीते, जो दो चुनाव BJP जीते, ऐसा पूरा प्लान उनकी, मतलब अंदरूनी उनकी सांठगांठ है। बकौल वामन विश्राम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति मोर्चा के, बकौल उनके, उन्होंने कहा है कि इन दोनों में सांठगांठ हुई है, 10 साल मैं राज करता हूँ, 10 साल तू कर ले, इसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस। खेर साहब थे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 महीने के लिए थे, कश्मीर के थे, उन पर जब दबाव पड़ने लगा, जो भी जिस तरीके से दबाव रहा होगा, उन्होंने खुद कहा कि भाई जितने बड़ा गुंडा होता है उसके उतने बड़े हाथ होते हैं। गौरतलब है, यहाँ समझने की बात है। और इसके पहले भी हमारे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे ही उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज से बाहर आए, जो कि इतिहास का रिकॉर्ड था, जो कि अवमानना हुई है सुप्रीम कोर्ट की, कि वो बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहे कि वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उस दौर क्यों आए, कैसे आए, क्या रहा, उन्हीं में से आज गंगोई साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है कि PM किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाता है चाय नाश्ते पर या बगैर बुलाए, तो ये भी पहले बार इतिहास का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में, जब से देश आज़ाद हुआ है कोई प्राइम मिनिस्टर किसी CGI के घर गया हो।
तब से ये खुद दबाव में आ गए हैं, वरना 8 अक्टूबर 2013 का जो ईवीएम के ऊपर जो आदेश दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसमें आप सीजीआई जो हमारे अभी वक्ती तौर पर प्रेजेंट में उस समय उनका भी सिग्नेचर, वो भी नंबर 2 के उसमें जज थे, आज भी उनका सिग्नेचर है, आज वो सीजीआई बने। क्या उन्हें गौर नहीं था, उन्हें समझ नहीं मैंने क्या ऑर्डर दिया है और क्या ईवीएम पर होना चाहिए? वो हुआ नहीं। 5 अगर उन्होंने कहा था वोट मशीन को हम काउंट कराएंगे जहां मिसमैच होगी, अगर ये मिसमैच होता है तो हम और तमाम जगहों पर कराएंगे, लेकिन वो भी 5 नहीं हुए, एक कंस्टिट्यूएंसी से 5 भी नहीं हुआ, तो उसको कैसे माना जाए और कैसे कहा जाए कि हाँ ये सही हो रहा? वजह इसकी है कि हर कंस्टिट्यूशन पर, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर इंस्टीट्यूशन पे दबदबा है गवर्नमेंट का, चाहे वो 2 आर्मी मैन कहें, 1 मैन शो कहें। बकौल शत्रुघ्न सिन्हा जी उन्होंने ऐसे कहा था तो वही चल रहा वो होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम चिल्लाना हमारा फर्ज है, एक अदायगी है, एक इंसान है, इंसान की तकलीफ को समझते हैं, इसलिए हम सड़कों पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं। माना कि न सुनवाई होगी, लेकिन आवाज़ तो हमारे जैसे लोगों के पास पहुँचेगी ना। जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत कम समय में बहुत बारीक बातों को आपने छुआ है, 8 अक्टूबर 2013 का फैसला हो या कांग्रेस और बीजेपी की अंदरूनी जो सांठगांठ है उस पर भी आपने बात कही, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोग जो है वो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ हो रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए MNTV। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।